बेटा ये क्या किया तुमने? अब्बा तू हर वक्त सोया रहता है, मैं दिन रात काम करता रहता हूँ, तेरा सिर्फ सोना और खाना काम है। बेटा अब कहाँ मेरे से होता है काम, अपने दौर में मैं भी काम करता था, अब मैं जब भी चरपाई से उठता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता है, मैं क्या करूँ बेटा? अब्बा तू मुझे ही देख ले, मैं महीने का 2 लाख कमाता हूँ और तेरे घुटनों में दर्द है। बेटा कहाँ होता मेरे से काम, मैं जब भी चरपाई से उठता हूँ मेरे घुटने दर्द करते हैं, मैं क्या करूँ बेटा? बेटा ये क्या कह रहे हो, मैं भी तो तुम्हें खिलाता रहा हूँ बेटा, मैं सर खाएगा। जी पुत्र, मैं एक दोस्त की दावत पे जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ ना। कैसे जाऊँ, उसने बोला अपने अब्बा के साथ लेके आना। अच्छा एक मिनट रुको, मैं कपड़े तब्दील कर रहा हूँ, जाओ जल्दी जाओ। चलें। अब्बा तू मेरे साथ ऐसी हालत में जाएगा? बेटा मेरे कपड़े नहीं इस्त्री हुए थे तब मैं ऐसी हालत में आया हूँ। अब्बा तुझे इस बात का पता है कि उस दावत में कितने खानदानी और अमीर लोग आए होंगे? मुझे भरी महफिल में अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, तू जा इधर बैठ। अशरफ इसको अपने बाप से बात करने की तमीज नहीं है। कुछ नहीं अभी नादान है, समझ जाएगा। वो तो सारी बात ठीक है पर इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा बेटा रुको रुको मेरी बात सुनो। हाँ चाचा बोल। ऐसा करते हैं वहाँ बैठ कर बात करते हैं, चलो। हाँ चाचा अब बोलो मुझे क्यों रोका है, मैं आगे ही बहुत लेट हो रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या कहना है। बेटा मेरी 5 मिनट सिर्फ बात सुन लो। अच्छा जल्दी बोलो जो बोलना है जल्दी। बेटा जैसा सलूक तुमने अपने बाप के साथ किया है मैं देख कर बहुत परेशान हुआ हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो इसी लायक ही है। तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ चल बसी, तुम्हारे बाप ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया और जितना तुम्हें पढ़ाया है इतना इस गांव में कोई नहीं पढ़ा हुआ, और तुम फिर ऐसी बातें करती हो, लानत है तुम पे। चाचा अब्बा मुझे माफ तो कर देगा। बेटा बाप आखिर बाप होता है, अब जाओ माफी मांगो, बाप माफ कर देगा। बेटा उठो यहाँ ऊपर बैठो। कोई नहीं, इंसान से गलती होती रहती है लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया, कोई मसला नहीं है। ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ ये मकसद है कि औलाद जितनी भी बुरी हो बाप आखिर बाप ही होता है।